वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ टेस्ट। तो चलिए पहले टेस्ट करते हैं हम कैमरा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक साइड में 1080p 30fps की रिकॉर्डिंग और एक साइड में देख पा रहे होंगे 1080p 60fps की रिकॉर्डिंग। तो इसमें आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कौन सी क्वालिटी आपको बेटर ज़्यादा दिख रही है। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए चलते हैं दूसरे टेस्ट पे। तो अभी हम करने वाले हैं मल्टी टच टेस्ट। तो यहाँ पे हम टेस्ट करते हैं फिंगर्स का, कितने फिंगर्स एक टच में वो कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो फिंगर्स हमने टच की हैं, तो दो फिंगर्स को ये रिस्पॉन्स कर रहा है। यहाँ पे हमने 5 फिंगर्स टच की हैं, तो 5 फिंगर्स को भी रिकॉग्नाइज कर रहा है। और अगर हम टच करते हैं पूरी की पूरी 10 फिंगर्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 फिंगर्स पे ये कैच कर रहा है अभी भी। तो इसका टच काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, तो टच काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है यहाँ पे। और अगर हम करते हैं पेन टेस्ट, तो यहाँ पे हम रेड कलर किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा टच वर्क कर रहा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। जो भी कलर आप चूज कर रहे हैं वो कलर काफ़ी अच्छा आ रहा है डिस्प्ले पे। तो यहाँ पे आप इसका टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट। अभी हम टेस्ट करते हैं इसका कलर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा कलर हमें देखने को मिल पा रहा है। तो यहाँ पे हम कलर चेंज करके देख पा रहे हैं, सारे कलर हमें देखने को मिल पा रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। तो यहाँ पर अगर हम कैमरे में की मेजर चेंजेस की बात करें, तो यहाँ पे हमें कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिला। तो यहाँ पे हमने कुछ कैप्चर की थी अपडेट के पहले फ़ोटो और कुछ कैप्चर की थी अपडेट के बाद। तो यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हैं। मुझे तो कुछ मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिला है पिक्चर क्वालिटी में, जो कि कुछ हैं पोर्ट्रेट मोड में और कुछ हैं नॉर्मल मोड में। तो यहाँ पे आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको हो सकता है कोई डिफरेंस दिखा हो।